एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक बीजेपी प्रचंड जीत की ओर है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे रिजल्ट में तब्दील हो गए तो ऐसा क्यों हुआ कि 27 साल बाद भी विरोधी गुजरात में बीजेपी के पैर उखाड़ नहीं पाए, यहां तक कि हिला भी नहीं पाए। आइए आपको मोदी के हार्ड वर्क और होमवर्क के जरिए इसे समझाते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी ने 2022 चुनाव में जीत दिलाने वाला रोड मैप बीते साल यानी 2021 में तैयार कर लिया था। सरल शब्दों में समझें तो गुजरात चुनाव की तैयारी प्रतिद्वंदी पार्टियों के शुरू होने से बहुत पहले शुरू कर दी थी। पहले अमित शाह के साथ मिलकर एक चुनावी रणनीति बनाई और फिर जमीनी स्तर पर एक्शन शुरू कर दिया। बीते साल केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा उलटफेर किया, मंत्रिमंडल में ओबीसी मंत्रियों की हिस्सेदारी बढ़ाई और गुजरात के नेताओं को शामिल किया। मध्य गुजरात के आणंद जिले से देव सिंह चौहान, सूरत से दर्शाना जगदोश और सौराष्ट्र के सुरेंद्र नगर से महेंद्र मुंजपारा जैसे ओबीसी नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। बीजेपी ने 2017 में आणंद और सुरेंद्र नगर जिलों में खराब प्रदर्शन किया। दो महीने बाद सितंबर 2021 में बीजेपी ने सत्ता विरोधी चिंताओं को दूर करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री रूपाणी और उनके मंत्रिमंडल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल ने ले ली। ये सब चुनाव से एक साल पहले ही कर दिया था। 2017 में आदिवासी वोटरों की वजह से कांग्रेस को बढ़त मिली थी, लिहाजा इस बार मोदी ने सबक लेते हुए आदिवासी वोटरों को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की। साथियों, हम आदिवासी समाज के बलिदानों के ऋणी हैं, हम उनके योगदान के ऋणी हैं। इस समाज के इसने प्रकृति से लेकर पर्यावरण तक, संस्कृति से लेकर परंपराओं तक भारत के चरित्र को सहजा और संजोया है। आज समय है कि देश इस ऋण के लिए, इस योगदान के लिए आदिवासी समाज की सेवा कर उनका धन्यवाद करें। भले ही चुनाव बीजेपी के पक्ष में झुका नजर आ रहा था, इसके बावजूद मोदी ने रिस्क नहीं लिया और मतदाताओं को लुभाने के लिए सारे घोड़े खोल दिए। साथियों, जब सरकार संवेदनशील होती है तो उसका सबसे बड़ा लाभ समाज के कमजोर वर्ग को होता है, गरीब को होता है, मध्यम वर्ग के परिवार को होता है, माताओं बहनों को होता है। पहले हम देखते थे कि गुजरात में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर इतनी चिंता का विषय था, लेकिन सरकारों ने उसे किस्मत के नाम पर छोड़ रखा था। हमने तय किया कि हमारी माता बहनों के जीवन का प्रश्न है, इसका ठिकरा किसी के किस्मत पर नहीं फोड़ने दिया जाएगा। पिछले 20 वर्षों में हमने इसके लिए लगातार सही नीतियां बनाई, उन्हें लागू किया। आज गुजरात में माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में बहुत कमी आई है। अपनी रैलियों से मोदी ने ऐसा माहौल तैयार किया जिसने गुजरात के सभी 52,000 बूथों पर 10,40,000 पन्ना प्रमुखों और 10,90,000 कार्डर के साथ पार्टी की चुनावी मिशनरी पूरी एक्टिव है। ये पूरी रणनीति 5 बिंदुओं पर केंद्रित। चुनाव से पहले ही नरेंद्र मोदी ने अपनी कोर टीम के साथ ऐसे 5 मुद्दों को चुना जो बीजेपी के खिलाफ जा सकते थे। पहला, सत्ता विरोधी रुझान और पार्टी के अंदर असंतोष का तोड़। दूसरा, महंगाई और बेरोजगारी थी जो कोविड महामारी के चलते बीजेपी की परेशानी का सबब था। तीसरा, कांग्रेस पर नकेल कसके उसे बेअसर करना जिसने 2017 में अपने अभियान से बीजेपी को चौंकाते हुए 77 सीटें जीती थी। चौथा, जाति समीकरण वाली चुनावी राजनीति से निपटना। पांचवा, आम आदमी पार्टी की फ्री पॉलिटिक्स जिसे मोदी ने रेवड़ी कल्चर नाम दिया है।